धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले तो मैं वित्त मंत्री जी को आम बजट पढ़ने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 21 साल बाद किसी वित्त मंत्री ने इस सदन में बजट पढ़ा, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझता हूं कि मेरी पार्टी से मुझे आज पहले बोलने का मौका दिया। बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इतनी जल्दी क्या थी ये बजट लाने की। हम वेट क्यों नहीं कर सकते थे कि सेंट्रल का बजट आए, उसके बाद हम अपना बजट लेके आए। पिछली बार आपको पता है कि हमने 9 तारीख को अपना बजट 9 तारीख को सेंट्रल, 1 तारीख को सेंट्रल का बजट आया था, तो हमने 10 फरवरी को बजट किया था। आज जे जैसी स्कीम यदि वो ला दें और वो स्टेट्स को कहें कि 45,000 करोड़ रुपए आपको JJM जैसी या कोई हाईवे की स्कीम में लेके आना है, कहाँ से आप दोगे, किधर से आप अकाउंट फॉर करोगे, ये आपने सोचा है? इतनी क्या जल्दी है, इतनी क्या जल्दी थी इस बजट लाने की? आपको वेट करना चाहिए था। कोई गुजरात या हरियाणा का हाल होने वाला थोड़ी है राजस्थान में जो इतनी जल्दी थी, कोई हटाए थोड़ी जा रहे थे जो इतनी जल्दी थी। आपको ये समझना चाहिए कि भाई बजट पहले देश का बजट आए फिर राज्य का बजट आए, नहीं तो आपकी आधी चीजें अकाउंट फॉर ही नहीं होंगी। ये बजट आम आदमी की इच्छाओं और अपेक्षाओं में का दर्पण होता है, सरकार की नीति रीति की झलक उसमें दिखाई देती है। लेकिन मुझे इसे देखकर ऐसा लगता है सरकार की कोई रीति नीति है नहीं है, कोई इच्छा शक्ति नहीं है, और राजस्थान के विकास के लिए वो कुछ नहीं करना चाहते। ये बजट दिशाहीन है, आम आदमी को इसमें गहरी निराशा हुई है। इस बजट के बाद इस बजट में ना तो किसानों का दुख दर्द समझा गया, ना गरीब मजदूर आदिवासी बेरोजगार युवाओं की पीड़ा को समझा गया। हर वर्ग का व्यक्ति अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। आप कहते हैं हमने बजट में 53%, हमने संकल्प पत्र में आप ये कहते हैं कि हमने 45 बिंदुओं पर अपनी घोषणाएं पूरी कर दी, 45 विषयों पर। संकल्प पत्र की बात कर रहा हूं, या तो आप बोलने में बैठ जाता हूं, परसेंट नहीं है, 45 लिखा हुआ है, आप पढ़ लें अच्छी तरह। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमने 45%, क्या सही है? या तो मुख्यमंत्री जी सही है या ये बजट सही है, क्या सही है? 45 बिंदु सही है या 45% सही है, ये डिसाइड करना आपका काम है। आप डिसाइड करके इसका जवाब दे दीजिएगा। जब जवाब दो तब आप इसका मुझे जवाब दे दीजिएगा। अब जब अपन बात करते हैं स्टेट बजट की, स्टेट बजट को अपन जब भी देखेंगे उसको सेंट्रल बजट से देखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी 46% की रेवेन्यू जो आती है वो GST के थ्रू आती है। और GST को कौन कंट्रोल करता है? GST को कंट्रोल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपका कोई उसमें लेना देना नहीं है। जब से GST आई है, मंत्री जी आप चुप रहो, आपको मंत्री बनवा देंगे, आप चिंता मत करो, आप चुप रहो और सुनो, थोड़ा आपका फायदा ही होगा। इसीलिए कह रहा हूं, आप समझोगे तब समझ में आएगा ना। आज आपको ये समझ में आना पड़ेगा कि GST में हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो हम रेट चेंज कर सकते हैं, ना हम कोई अमेंडमेंट ला सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। GST हमारी स्टेट की सॉवरेनिटी खत्म हो गई है GST आने के बाद, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप यदि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पिछली बार के जो बजट दिए थे, आप सबको पता है देश किस मुश्किलों के दौर से इस वक्त गुजर रहा है। 2014 में हमारी सरकार गई, तब हम 55,00,000 करोड़ का लोन छोड़ के गए थे इस कंट्री के ऊपर, और 31 मार्च 2024 को जब नया फिगर आपकी सरकार ने दिया तो आपने कर्ज का बोझ जो है वो 1,68,000 करोड़ कर दिया। मतलब 10 साल में आपने 112 करोड़ का लोन लिया। मेरे से पुरानी वक्ता कह रही थी कि कांग्रेस 1,12,000 करोड़ 112 जो 10 साल में किया, और हम लोगों ने 70 साल में 55,00,000 करोड़ किया। क्या करा उस पैसे का?
आपको पता है सभापति महोदय क्या होता है? हर साल आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट 17 लाख से 18 लाख करोड़ का कर्ज ले रही है कोरोना के बाद। प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं है, बाजार से पैसा ही नहीं मिलता, क्योंकि सब बॉन्ड्स इश्यू हो जाते हैं और बॉन्ड्स में इतना अच्छा रिटर्न है कि लोग बाग बाजार से पैसा ही नहीं उठा पा रहे, नए उद्योग नहीं आ रहे। ये सबसे बड़ी त्रासदी है इसकी। अब आप देखें, हमारे पास एनडीए की सरकार जब थी तब ये सब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आज हंगर इंडेक्स ले लीजिए, 125 देश हैं, उसमें हमारा स्थान क्या है हंगर इंडेक्स में? 111वां। हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका से भी नीचे हैं। क्या हमारी स्थिति ये है? एक जमाने में हमारा देश कहलाता था सोने की चिड़िया, तो ये सोने की चिड़िया का हाल आपने ऐसा कर दिया, सोने की चिड़िया का हाल आपने ऐसा कर दिया कि आपको पता ही नहीं पड़ा कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप भुखमरी की सिचुएशन लाके रख दिया आपने। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि एनडीए सरकार, एनडीए की सरकार जब 10 साल रूल कर रही है, तो आपकी बेरोजगारी दर, आपकी बेरोजगारी की दर 8.9% है और हमारे टाइम 10 साल में माननीय सदस्य आपको ये पता, आपको ये पता होना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट की दर इन 10 सालों में जब हम कंपेयर करते हैं एनडीए और यूपीए की सरकारों को, आपकी दर की बात कर रहा हूं मैं, वो 4% बढ़ गई है, 4%। और हरियाणा ऐसा राज्य है जहां पर करीब करीब 30% अनएम्प्लॉयमेंट है, जहां पर इनकी सरकार है 30%, और वो भारत में सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट यदि कहीं है तो हरियाणा के अंदर है। आपको यह भी ज्ञान होना चाहिए कि 1% लोग इस भारत में, 1% लोग 80% वेल्थ अपने पास रखते हैं, सिर्फ 1% लोग, और 1% लोग 70% वेल्थ का जनरेशन कर रहे हैं, सिर्फ 1% लोग, ज्यादा नहीं कर रहे। और जो 70 करोड़ की जनता है उनका 1% से उनकी इजाफा होता है उनकी आमदनी के अंदर, 70 करोड़ लोगों का इजाफा सिर्फ 1% होता है, ये हाल है इनका। और बड़ी बड़ी बातें, मोदी की गारंटी, इसकी गारंटी, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। आप ये देखिए, इन्फ्लेशन को भी आप बीट नहीं कर पा रहे हो, आपका इन्फ्लेशन है 6.5% और आपकी तादाद क्या है, 70 करोड़ जनता क्या कमा रही है, 1% ज्यादा कमा रही है, वो इन्फ्लेशन से भी कम कमा रही है। तो मतलब जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं, ये हाल है। इस पर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, सिर्फ हमें नारे लगाने हैं, नारे लगानों से कुछ नहीं होता। इसीलिए वो 6 महीने में बता दिया कि 44% सीट किसी ने जीती तो राजस्थान में यूपीए की सरकार, एनडीए ब्लॉक ने जीती, ये इसी का नतीजा है। आपको ये जान के भी खुशी होगी कि जितने स्टार्टअप्स हैं जो अभी डाले गए हैं, 30,000 लोगों का इन स्टार्टअप्स में नौकरी खो दिए एक साल के अंदर, और 25,000 लोगों ने TCS, इंफोसिस और जितनी कंपनियां हैं उसमें 25,000 नौकरी गई है लास्ट 6 मंथ्स के अंदर। कहां जाएगा ये देश? ये क्या बेरोजगारों का देश बनाना चाहते हैं अपन? और 3,000 कंपनियों ने एक साल के अंदर अपने ऑफिसेस बंद करके विदेशों में वापस चली गई। नाम चाहें तो मैं नाम भी दे सकता हूं, हेंकल चली गई, हार्ले डेविडसन चली गई,
फोर्ड मोटर कंपनी ने अपना प्रोडक्शन यहां बंद कर दिया, क्या करना चाह रहे? स्वरोजगार ऐसे ही बढ़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही बढ़ेगा। इसी तरह से आपने अनाउंस करा था 10 साल पहले कि हम 2022 तक हर आदमी को, जिसको भी मकान चाहिए, हम हर आदमी को मकान दे देंगे 2022 तक। क्या हुआ? दे दिए। आपको वापस 2 करोड़ हाउसेस बनाने का आपको वापस ऐलान करना पड़ा लास्ट ईयर अपने बजट के अंदर। क्यों करा? बन गए थे ना मकान, वो तो बन गए थे ना मकान। 2 करोड़ लोगों को आपको वापस देना पड़ा क्योंकि उनको मकानों से वंचित थे। और इसी तरह से आपने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट 10 साल पहले अनाउंस करे, 10 साल पहले आपने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करे। क्या हुआ? क्या हुआ? अभी तक वो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स दे हैव नॉट टेकन शेप। अभी तक सिर्फ 93% उनमें काम हुआ है, अभी भी 7% उनमें काम बचा हुआ है और केंद्र सरकार ने 1 साल उनकी मियाद और बढ़ा दी। तो अब आप ये सोच लीजिए, जो 10 साल से प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हुए उनकी कॉस्टिंग कितनी बढ़ गई होगी। वो कॉस्टिंग का भार किसके ऊपर आया होगा? या तो काम कम हुआ होगा या सरकार ने अपनी डीपीआर को चेंज करा होगा। ये सब आपको सोचने की बात है और आप इस पर खुद सोच सकते हैं। आज हमारे स्टेट बजट की बात मैं शुरू करता हूं स्टेट बजट से। सबसे पहले, क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगी ना इसलिए आप हंसिए जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। और ये आपने पहली बार कोरोना के टाइम पर भी 70,000 करोड़ का हमने डेफिसिट नहीं करा था, जब हमारी ओन रेवेन्यू ऑलमोस्ट 30% हो गई थी और आज की डेट में हमारी रेवेन्यू बढ़ी है। टारगेट जितने हो उतनी नहीं बढ़ी, बट फिर भी 5 से 7% हमारी रेवेन्यू बढ़ी है। 70,000 करोड़ का पहली बार किसी ने बजट दिया है जो डेफिसिट में बजट है। यदि आप इसको 5 साल ले लो तो ये हो जाएगा 3.5 लाख करोड़, और इन्फ्लेशन और काउंट कर लेना तो ये आपका लॉस होगा 3,75,000 करोड़। कभी सोचा था 3,75,000 करोड़ का मतलब क्या है? हर आदमी को अपनी जेब से, राजस्थान के हर आदमी को अपनी जेब से 50,000 रुपए देने पड़ेंगे इन 5 सालों में। यह हाल आपने कराया पहले बजट के अंदर। आपको वो भी बता देता हूं, मंत्री जी बैठो, आई एम इवन कमिंग टू दैट। आप भी पहले उस कैबिनेट, एक सेकेंड, उस कैबिनेट के आप भी पार्ट थे, वो भी मैं बोल रहा हूं, आप चिंता मत करो। आई एम कमिंग टू ईच एंड एवरीथिंग। जब हम छोड़ के गए थे 2014 में सरकार, 13-14 एक ही बात है, 13 में जब हम छोड़ के गए थे तो 1,29,000 करोड़ का, 1,29,000 करोड़ का हम लोन छोड़ के गए थे, ठीक है? आप जब छोड़ के गए उस पे 90,000 करोड़ बिजली का और जोड़ लो, एक नहीं नहीं, उसमें 90,000 करोड़ नहीं है वो, क्योंकि हमने 62,000 करोड़ बिजली पे उदय योजना में, एक सेकंड, उदय योजना में 62 करोड़ हमने लिया है, एक सेकंड बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनका बोलने का नंबर आया जब आप इसका जवाब देते हैं। सभापति जी, आप इधर से आंखें बूंद कर लो, आपको कुछ बोलना ही नहीं है। नहीं, बोल नहीं, फिर और अगले भी बोलना शुरू हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? आप बोलो, आप तो बोलो। उदय योजना में हमने 1,10,000 करोड़ की गारंटीज दी है, आर यू अवेयर ऑफ इट? विच इज 7.8% ऑफ द GDP, दैट इज सेपरेट फ्रॉम दिस बजट। Those are other liabilities. You are not even aware. आप पढ़ो बजट। जैसे आप भी वहाँ चर्चा मत करो। वो बोल रहे हैं तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आप तो यह बताओ, जो 2018-19 में जब हमें मिली सरकार, तो हमें ये 3,09,385 करोड़ का लोन छोड़ के गए थे। मतलब इनने 5 साल में 1,80,000 करोड़ तो वो लिए थे लोन, और 62,000 इनने उदय योजना में लिए थे जिसकी इनने गारंटीज दी। तो मतलब कितना हो गया? 1,80 और 62, 2,42। हमने इन 5 साल में यदि इन्फ्लेशन काउंट करते हो तो क्या कर दिया? 2,70,000 करोड़ ले लिया।
और अब आप क्या करके जाओगे वो मैंने आपको बता दिया, 3,75,000 करोड़ करके जाओगे। तो ये बोलने से कुछ नहीं होता, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो रखे हुए हैं। ये बहुत अच्छा करा, एक तरफ तो आपके पास पैसा नहीं, सरकार कहती है पैसा ही नहीं है, डेफिसिट में 70,000 करोड़ नहीं। आपने अभी क्या करा, कैप्टिव पावर प्लांट्स की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो 60 पैसे प्रति यूनिट आती थी वो आपने खत्म कर दी। और ऐसा खेल हुआ सभापति महोदय, यदि आप उस लाइन को पढ़ो, यदि मेरी आउटस्टैंडिंग है तो उसमें सिर्फ 10% जमा कराओ और आउटस्टैंडिंग क्लियर। कितना बड़ा खेला करा इस सरकार ने किसी को पता नहीं है, कितना बड़ा खेला हुआ है किसी को पता नहीं है। मतलब पूरी आउटस्टैंडिंग 10% में, कौन सी एमनेस्टी स्कीम थी? डिड यू अनाउंस दैट एमनेस्टी स्कीम? एमनेस्टी स्कीम अनाउंस नहीं हुई, और उससे पहले 10% में आपने सब। तो ये हाल करा है, तो ये तो खेला हो रहा है राजस्थान में बैठे बैठे, और बात बड़ी बड़ी करने से कुछ नहीं होता है। और एक बहुत अच्छी छूट दी साहब, क्या कहा कि बैंक के डॉक्यूमेंट्स कराओगे रजिस्ट्रेशन में तो आपको हम छूट देंगे, यानी लोन डॉक्यूमेंट के अलावा हम छूट देंगे। तो मेरे को भी लगा यार ये तो बहुत बड़ी छूट होगी, अपने को पढ़ना चाहिए समझना चाहिए। पता पड़ा लोन डॉक्यूमेंट पे तो डॉक्यूमेंटेशन होता है तो 0.25% की स्टैम्प ड्यूटी लगती, सभी बैंक लेंगी, उस पर कोई आपने चेंज नहीं करा। उसके अलावा जो पेपर लगते हैं, 100 रुपये का तो गारंटर का पेपर लगता है और 100 रुपये जो आदमी देता है उसका पेपर, लोन लेता है उसका पेपर लगता है। तो मतलब कितनी बड़ी छूट हो गई एक आदमी के लिए, 200 रुपये। और यदि मैं लोन लूं 1 करोड़ का तो 200 रुपये उसमें क्या मायने रखते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा कहने में भी हमें शर्म आनी चाहिए। अपन क्या बात कर रहे हैं, किसको छलावा दे रहे हैं? ऐसे छलावा, ये क्या ड्रेसिंग करी है, जो कहते हैं ना विंडो ड्रेसिंग, ऐसी ड्रेसिंग करी है, बहुत शानदार ड्रेसिंग करी। आपने वैट और पेट्रोल पे डीजल पर वैट आपने 2% करा, क्यों कम करा? क्योंकि आपको लगता था कि हमें प्राइस इक्वलाइजेशन करना है, कि गंगानगर में 1 रेट है, भरतपुर में 1 रेट है, जयपुर में 1 रेट है। आज भी भरतपुर और गंगानगर में करीब करीब 1.90 रुपये का डिफरेंस है। ये आपके अफसर आपको सिखा रहे हैं, आपका वैट कम करना दिखा रहे हैं कि ये वैट कम हुआ। और आज भी यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से आप की रेट अभी भी ज्यादा है, आज भी ज्यादा है। जो मोदी जी की गारंटी थी ये आप पढ़ लेना, उनने क्या लगा, आपने क्या करा, ना एक प्राइस इक्वलाइजेशन हुआ ना आपकी प्राइस कम हुई दूसरे राज्यों से, तो फायदा क्या हुआ? वाह क्या जबरदस्त कराया, एक बहुत अच्छा काम करा जो मैं भी तारीफ करता हूं, जो जॉइंट फैमिलीज का आपने एक्सचेंज डीड कराई, जो जॉइंट फैमिलीज की एक्सचेंज डीड कराई वो बहुत अच्छा काम है। उसमें जॉइंट फैमिली के सब झगड़े खत्म होते हैं, 6% से आपने 2% कम किया, उसके लिए मैं भी पेट थे ये थपथपाता हूं कि बहुत अच्छा काम। जो अच्छा काम है मैं उसके लिए आपकी बुराई नहीं करूं, बट जो अच्छा काम नहीं है वो तो आपको सुनना पड़ेगा। अब ये, अब आप आइए स्टेट की ओन टैक्स रेवेन्यू। अपन जीएसटी सबसे बड़ा हमारा कंपोनेंट है, सिर्फ उसको ले लेते हैं, जीएसटी हमारा सबसे बड़ा कंपोनेंट है उसको ले लेते हैं। जीएसटी में जब भी हमने बजट में जो भी फिगर दिए हैं आज तक हमने वो फिगर कभी पूरे नहीं करे, कभी भी पूरे नहीं करें। फॉर लास्ट 10 ईयर्स आपने जो भी जीएसटी के फिगर दिए, या पहले वैट था, आपने जो भी बजट करा आज तक कभी पूरे नहीं हुए। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, 2021 में वी वर डाउन 15%, 22-23 में वी वर डाउन 9%, 23-24 में वी वर डाउन -2%। इस साल आपने ग्रोथ क्या ले ली और नॉमिनल, मैं रियल टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूं सर, रियल टर्म और नॉमिनल में डिफरेंस होता है, और नॉमिनल टर्म्स आपने इंक्रीज लिया है 16% का, जो कि नेशनल एवरेज भी नहीं, नेशनल एवरेज नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद अपने बजट भाषण में, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था
there will be an increase of 10.5%. They have taken an average of 10.5%. We are saying कि नहीं 16%. तो एक तो ये फिगर आपका गलत होना ही होना. इसी तरह एक्साइज का, आपकी दुकानें तो उठी नहीं, जुलाई तक नहीं उठी, आपने पुरानी दुकानों को ही चलाया, उनसे ली, लोग बाग दुकान अपना पैसा कमा के, जो मेन सीजन था उसमें पैसा कमा के दुकान बंद करके चले गए, अब आपको डिस्काउंट में करना था. जो आपने 17,100 करोड़ कराए उसमें आपको मुश्किल से 15,000 करोड़ की भी रेवेन्यू नहीं आएगी, वो 2,000 करोड़. तो ये सब आपके लॉसेज और बढ़ते जाएंगे. इसी तरह से आपका वैट, आपने वैट क्या करा, 2% पहले कम कर दिया, सीएनजी और पीएनजी में अभी आपने वैट कम कर दिया. टर्बाइन फ्यूल में तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे तब आप करोगे, उससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, उसमें भी आपकी रेवेन्यू कम होगी. व्हीकल्स की आपकी रेवेन्यू इसलिए कम होगी कि आज पूरे देश में ऑल डीलर्स, ये बड़ा आर्टिकल था इकोनॉमिक टाइम्स में, ऑल डीलर्स थ्रू आउट इंडिया आर कैरिंग व्हीकल स्टॉक्स वर्थ 44,000 करोड़. जो एकदम पहले हमारे को गाड़ियां नहीं मिलती थी, हमारे को वेट करना पड़ता था गाड़ियों को, गाड़ियां फ्रीली अवेलेबल हैं, डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं, और गाड़ियों की सेल होना कम हो गई, तो आपको वो जो टैक्सेस ऑन व्हीकल्स है वो भी आपको कम मिलेगा. फिर आता है टैक्सेस ऑन ड्यूटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो खेला तो आपने कर ही दिया, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे तो खेल हो ही गया, कैप्टिव पावर प्लांट्स का जो मैक्सिमम ड्यूटी आती थी वो तो खेल इनने कर ही लिया, खेला हो गया. तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो आपने फिगर्स दिए हैं, जो मैंने आपकी ओन टैक्स रेवेन्यू के फिगर्स आपने दिए हैं, मैंने एक एक को आपके सामने पढ़ के बता दिया कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला. फिर क्या होगा, रिवाइज बजट आएगा, आप फिर वापस उसमें सेटिंग करोगे रिवाइज बजट में कि भाई रिवाइज बजट में ये कम हो गया और ये ज़्यादा हो गया और इतना खर्चा कम हो गया. हमारा पिछली बार का कैपिटल आउटले 38,000 करोड़ का था सर. जब हम गए दिसंबर तक तब हम 32-33,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुके थे. 3 महीने जब इनके थे तो इनका फिगर वो 34,000 करोड़ पे रुक गया. और पीडब्ल्यूडी, जल जीवन मिशन, जितने ठेकेदार हैं 6-6 महीने से पैसा नहीं पा रहे, ट्रेजरीज बंद पड़ी हैं. इसी तरीके से आपके जो आपने नगर पालिकाओं में पैसा दिया था पुराने एमएलएस को रोडे ठीक कराने के लिए, उनमें पिछले साल का सिर्फ 45% तक पैसा आया है, नबार्ड ने आपको पैसा रिलीज नहीं करा. वो पैसा क्यों नहीं रिलीज हुआ रुडिस्को का, वो तो नबार्ड का लोन था, वो पैसा तो रिलीज होना था, क्योंकि आपकी सरकार ने वेज एंड मींस में से अपने को निकालने के लिए वो पैसा आपने अपने आप यूज कर लिया. क्या होगा, और इधर अपन बात कर रहे हैं कि भाई घोषणा कर दो 44,000 करोड़ की. अरे घोषणा तो हो जाएगी, घोषणा होने में थोड़ी है, चुकाओगे कहां से, लोगे कहां से, आपकी एफआरबीएम लिमिट में आप लोगे कहां से, 3.5% आपकी एफआरबीएम लिमिट है, आप उसको क्रॉस कर रहे हो, आप कौन पैसे देने वाला है, बाजार से उठाओगे तो आपकी है. एक बहुत जबरदस्त बात है सर, ये तो लोन जो खड़ा है वो खड़ा ही है. सरकार ने पिछले सालों में, मैडम आप बोलते मैं नहीं बोलता ना, इफ यू वांट आप सुनो, आप सुनो, आपको मेरे को कॉन्ट्रेडिक्ट करना, आपको अपना टाइम मिलेगा, आप कॉन्ट्रेडिक्ट करो ना, नो वन स्टॉप्स यू. 110,000 करोड़ का आपने गारंटीज कैसे दे दी, हु इज रिस्पॉन्सिबल? जिस दिन आपकी गारंटीज रिटर्न होना हो गई तो 110,000 करोड़ रुपए और घुस जाएगा, कहां से लाओगे आप, कहां से लाओगे, क्योंकि वो तो हाल होने वाला ही है ना. जब आपने रेवेन्यू पर एक पैसे की रेवेन्यू नहीं बढ़ाई, सर मुझे टाइम लगेगा, 5 मिनट में आपके दल की व्यवस्था है, 30 मिनट आप बात कर लें, बात कर लें, 5 मिनट में मेरे को टाइम लगेगा, आप बात कर लें. इशू ये है कि भाई आपने ये सब कर लिया. इसी तरह से आपने 9,000 करोड़ का आपने रोड्स पर सैंक्शन करी, रोड्स भाई, रोड्स बनेंगी, आरयू बनेंगी, आरओबी बनेंगे, बहुत अच्छी बात है. उसकी विंडो ड्रेसिंग क्या करी, 1,000 करोड़ रुपए जो आपको मिलने थे सीआरएफ में वो रोड्स भी उसने उसमें डाल दिया आपने, और 953 करोड़ रुपए की
जो PMGSY की रोड्स हैं वो भी इसमें चलेगी। बजट कितना बड़ा हो गया, और 9000 करोड़ की रोडें दे रहे हैं, और दिया कितना, 7000 करोड़। सेंटर का पैसा और गुड़ अपन खा रहे, पैसा किसी का है, गुड़ अपन खा रहे। ये आपका बजट का पार्ट नहीं बनता, इसीलिए कह रहा हूं विंडो ड्रेसिंग मत करिए बजट में। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर बजट, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर बजट। टेबल कर दिया ना तो दिक्कत आ जाएगी। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर बजट। आर यू स्पेंडिंग मनी? यू आर नॉट स्पेंडिंग। दैट इज ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द सेंटर, हमने नहीं करा। CRF की एक रोड नहीं डाली हमने कभी भी, मंत्री जी नहीं डाली, आप चेक कर लो। एक मैं चाहता हूं, जब भी जवाब आए, हमारी वित्त मंत्री जी जवाब दें जब भी, ये जो गारंटीज के ऊपर है उस पर एक तो डिस्कशन होना चाहिए, और ऑफलाइन बजटिंग, जितने आपके कॉरपोरेशंस हैं जिनमें आपने लोन उठाया है जो कि इस बजट का पार्ट नहीं है, वो भी टेबल पर आना चाहिए। हमें पता तो पड़े हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, हमारी दशा क्या है। पता पड़ा ऑफलाइन बजटिंग में हमने 40-50 हजार करोड़ रुपए लेके रख रखा है, RSRDC ने लोन ले रखा है, ERCP कॉरपोरेशन ने लोन ले रखा है, आपके इतने सारे कॉरपोरेशन है उसमें आपने नई नई कंपनियां बना के लीवरेजिंग कर रखी है, कभी लैंड दे रखी है, कहां बिल्डिंग दे रखी है, आपने कहां कहां दे रखा है, वो हमें पता तो पड़े कि क्या हो रहा है। जैसे आपकी सरकार ने FCI में लोन ले रखा था, एक बार में चुकाया उनने, तो ये सब हम लोगों को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है इस सरकार में, क्या हो रहा है वो हमें पता पड़े। क्योंकि 6 महीने में ही आप लोगों को लग रहा है कि भाई क्या बजट दे दिया, क्या ये दे दिया, तो उसकी आधी चीजें तो ये हैं। अब जो इस सरकार ने धोखा करा किसानों के साथ, जो कोऑपरेटिव में आप हम लोगों ने लास्ट ईयर 778 करोड़ रुपया दिया था, जो अच्छे लोनीज थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, उनके इंटरेस्ट के लिए, वो आपने 778 करोड़ से आपने लाके रख दिया 480 करोड़। इसी तरह से लास्ट ईयर हमने 480 करोड़ दिया था कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं, जो दूसरी वाली हैं, वहां पर इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए हमने 480 करोड़ दिया था, इस बार आपने 324 करोड़ रुपए दे दिया, तो मतलब वहां पर भी हमारा खत्म। इसी तरह से रूरल डेवलपमेंट में स्टेट फाइनेंस कमीशन ने पिछली बार 5000 करोड़ रुपए दिया था, मंत्री महोदय ये आपके लिए, 5000 करोड़ रुपया स्टेट फाइनेंस कमीशन ने लास्ट ईयर सैंक्शन करा था SFC का, इस बार आपने वो घटा दिया, 4000 करोड़ कर दिया, 1000 करोड़ सीधा स्लैश कर दिया। अब गांवों में जो आपको डेवलपमेंट के लिए आपको पैसा मिलेगा प्रधानों को और सरपंचों को, वो 1000 करोड़ कम मिलेगा। अरे अभी भी नहीं आई किस्तें आपकी कौन सी किस्तें आ गई? 4000 किस्तें आई नहीं आपको? अरे आपकी कौन सी किस्तें आ गई, आपकी FFC और कौन सी आपकी किस्तें आ गई, आपकी कौन सी आ गई? आपने अर्बन नरेगा जो कि हमने चालू करा था, हमने अर्बन नरेगा चालू करा, 650 करोड़ का हमारा प्रावधान था, आपने वो कट करके 300 करोड़ रुपए कर दिया, 350 करोड़ आपने वहां खत्म कर दिया। और सबसे बड़ा ये यार, ये थोड़ी कि 25 ही हम देते तब हमारा काम आप लोग करते ढंग से, आपने स्वस्थ भारत मिशन जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा पेट प्रोजेक्ट है, उसमें हमने 1324 करोड़ रुपए दिए थे शहरों के लिए, इस बार वो आ गया 608 करोड़, मतलब स्लैश्ड बाय मोर देन 50%। और इसी तरह से ग्रामीण, उसमें जब हमने दिया था 1146 करोड़ और आपने क्या दिया, 1000 करोड़। अरे ये तो प्रधानमंत्री जी का पेट प्रोजेक्ट है जीवाराम जी, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ये उनका पेट प्रोजेक्ट है। तो ये अब क्या करें? इसी तरह से आपने दिव्यांगों के साथ खेल खेल दिया, बड़ी बातें करी दिव्यांगों के साथ, हमने अपने समय में पहले साल में 4000, फिर अगले साल में 5000 स्कूटी बांटी थी।
आपने क्या करा? कॉन्क्लूड करें माननीय सदस्य। 2000 स्कूटी आपने दी, तो मतलब उनके साथ भी आपने अन्याय करा। बोलने के लिए बहुत है, 5 मिनट आप दे दो, 5 मिनट फिर मैं बंद कर दूं। मेडिकल कॉलेजेस की बात हो रही है, आपके 5 मेडिकल कॉलेजेस रिजेक्ट कर दिए, इन्हीं की सरकार है सेंटर में, डबल इंजन की सरकार है ना, तो उसी ने रिजेक्ट कर दिया। उसने क्यों रिजेक्ट करे? ये क्या करते थे, जैसे धौलपुर मेडिकल कॉलेज खुला, 50 डॉक्टरों का ट्रांसफर ऑन पेपर धौलपुर हो जाता था, चालू हुआ और वो वापस ट्रांसफर होके जयपुर आ गए। इसी तरह से इनने ये कहा कि ये कर दो। अरे भाई, जब तक डॉक्टरों की भर्ती नहीं होगी, जब तक ये नहीं होगी, आज आपके राजमहेश में डॉक्टर ही नहीं आ रहे। वो ये कहते हैं कि 30% सैलरी हम उनसे क्यों कम लें जो RPSC से सेलेक्टेड है, और उसमें आप क्या करते हो कि वो ज्वाइन नहीं करता, वेटिंग लिस्ट रखते नहीं हो, वो ज्वाइन नहीं करता, आप उसको कहते हो भाई तू जा। भाई ये क्यों? वो बेचारे बच्चे जो पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेजेस में गए हुए हैं, जिनके मां बाप ने पैसा खर्च करा है, उनकी क्या गलती है? उनकी कोई गलती थोड़ी है। वहां टीचर्स नहीं है, आपने पता पड़ा मेडिकल कॉलेजेस तो खोल दिए, 6 महीने में बड़ी वाहवाही ले ली सेंट्रल सरकार ने कर दी। एक मेडिकल कॉलेज में, एक या दो के अलावा छोड़ के जितने नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, हरीश जी किसी में भी कैथ लैब नहीं। कैथ लैब नहीं होने से, डॉक्टर साहब आप तो समझती हैं, यू आर अ डॉक्टर, कैथ लैब नहीं होने से आदमी को कितनी परेशानी होती, उसको रश करके जयपुर जाना पड़ेगा, कोई संभाग हेडक्वार्टर पे कैथ लैब नहीं है। आप ये जो छोटे छोटे PHC वगैरह खोल रहे हो, उससे फायदा क्या हो रहा है? कम से कम एक जगह डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर जहां पर भी वो दूर है डिस्ट्रिक्ट सेंटर, वहां कम से कम कैथ लैब खोलिए। कैथ लैब तो एक ऐसी चीज है विच इज अ मस्ट फॉर अ मेडिकल कॉलेज, अदरवाइज स्टूडेंट्स वहां पढ़ेंगे क्या? मेरा इतना सा कहना है, ये जो आपने बजट पेश करा है बिल्कुल दिशाहीन, बिल्कुल विंडो ड्रेसिंग वाला, कि जो विंडो ड्रेसिंग आप कर सकते थे, बड़े बड़े अंग्रेजी के शब्द आप जो लिख सकते थे, और सब में आपने क्या कहा, यूथ पॉलिसी बनेगी, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनेगी, लैंड पॉलिसी बनेगी, सबकी आप पॉलिसी बनाने में ही आप 3 साल लगा दोगे, पता पड़ा पॉलिसियां ही बनती गई और रिजल्ट जीरो, जो कि एक्सपेक्टेड है। विजन 47 का इसीलिए कह रहा हूं, विजन 47 जीरो हो जाएगा आने वाले समय में यदि इसी तरह से गाड़ी चलती रही। जो चीज आपको करनी है वो धरातल पे करनी है, कोई भी चीज आपको धरातल पे करनी है, सिर्फ पॉलिसियां बना बना के और वही काम होने वाला है। आप तो इतना सा करा दो, जो हमारे यहाँ के काम पिछली सरकार के काम थे, जो टेंडर हो गए, काम चालू हो गए, 6 महीने से पेमेंट नहीं हुए, उनके पेमेंट करा दो, जिससे वो रोडें धरातल पे आ जाएं। आपने कुछ नहीं कर रखा, लाइट ऐसी हालत खराब है, रात को 11 बजे लाइट जाती है, सुबह 4 बजे लाइट आती है। समाप्त करें माननीय सदस्य। बस खत्म कर रहा हूं, 11 बजे लाइट जाती है, 4 बजे लाइट आती है सुबह, तो किसान कैसे सोए? जीवाराम जी, आपके यहाँ ठंडी हो जाती, हमारे यहाँ पत्थर है वो नहीं होती ठंडी, पत्थर वाला है ना, आप समझो बात को। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना सा कहना है, ये जो बजट है सिर्फ विंडो ड्रेसिंग का बजट है, इससे इस राजस्थान में ना तो कोई विकास होगा ना कुछ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभापति राम राम साहब। सभापति महोदय, इस बजट चर्चा में आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत